हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का एक और नए वीडियो में। आज बना रही हूँ मैं तीन सामान से बनने वाली एक बहुत ही अच्छी मिठाई, जिसे बनाना भी आसान और बस तीन सामान ही लगेंगे इस मिठाई को बनाने में बिना किसी झंझट के। तो चलिए बनाते हैं। यहाँ पर देखिए, सबसे पहले मैंने एक चम्मच घी डाला था कढ़ाई के अंदर, और यहाँ पर लिया है मैंने ये नारियल का बुरादा। तो ये मार्केट में बहुत ही आसानी से मिल जाता है, तो इसको कोकोनट पाउडर भी बोलते हैं, या इसको इस तरीके से नारियल का बुरादा भी बोल कर लेते हैं। तो बहुत ही आसानी से ऑनलाइन, ऑफलाइन या फिर किसी भी जैसे परचून की दुकान होती है उस पर मिल जाता है। तो इसको 2 से 3 मिनट मीडियम फ्लेम पे इस तरीके से मैंने भूना है, तो इसमें अच्छी सी खुशबू आने लगेगी। फिर गैस का फ्लेम बंद करके इसको एक प्लेट में निकाल लिया है मैंने। तो बहुत ही झटपट वाली मिठाई है। तो यहाँ पर ले रही हूँ मैं दूध, 1/2 लीटर के आसपास दूध लिया है मैंने। दूध की क्वांटिटी है जो अपने हिसाब से थोड़ी ज़्यादा कम कर सकते हैं। और इसमें डाल देंगे चीनी स्वाद के हिसाब से। तो मैंने जितना 1 कप के आसपास नारियल का बुरादा लिया था, जो उतनी ही चीनी डाल दी है, और दूध में अच्छे से उबाल आने देते हैं। और ये देखिए, दूध अच्छे से उबल गया है। और अब इसमें डाल देंगे कोकोनट पाउडर। तो इस टाइम गैस का फ्लेम है जो बिल्कुल मीडियम कर लेंगे, क्योंकि एकदम से इसमें से छींटे आने लगेंगे। तो गैस का फ्लेम है जो बिल्कुल मीडियम कर लेंगे और इसको कंटिन्यू चलाएंगे इस तरीके से करीब करीब 5 मिनट के लिए मीडियम फ्लेम करेंगे गैस का। तो आप चाहे तो इसको इस तरीके से ऐसे ही रख सकते हैं। मैं इसके अंदर थोड़ा कलर ऐड करूँगी। तो पहले इसको कंटिन्यू चलाएंगे इस तरीके से। यकीन मानिए दोस्तों, ये बहुत ही ज़्यादा अच्छी मिठाई है बिना किसी झंझट के। तो मैं इसके अंदर डाल रही हूँ 1 चम्मच घी। आप चाहे तो इसमें मावा भी ऐड कर सकते हैं या फिर मलाई वगैरह भी ऐड कर सकते हैं। तो मेरे पास ना ही मलाई थी और ना ही खोया, तो मैंने इसमें 1 चम्मच घी डाल दिया है, क्योंकि मिठाई है जो थोड़ी घी वगैरह की अच्छी ही लगती है, इसलिए मैंने इसमें थोड़ा सा इलायची पाउडर डाला फ्लेवर के लिए। और थोड़ा सा इसमें डाला है मैंने कलर, पिंक वाला कलर डाला है। आप चाहे तो इसमें इसको सिंपल भी रख सकते हैं। सिंपल भी ये बहुत ही अच्छी लगती हैं। और इसको फिर से चलाएंगे 1-2 मिनट के लिए। और अब क्या करेंगे, ये बिल्कुल अच्छे से तैयार है। तो मैंने इसको बिल्कुल अच्छे से चलाया है 2 से 3 मिनट के लिए। तो अब क्या करेंगे, गैस का फ्लेम बंद कर लेंगे और इसको एक प्लेट में या थाली में इसको सेट करने के लिए निकाल लेंगे। आप चाहे तो कोई बर्फ़ी वाला ट्रे ले सकते हैं, लेकिन मैंने थाली लिया है। इस पे मैंने अच्छे से घी लगा दिया था। और यहाँ पर मैं 1/2 घंटे के बाद इसको कट करके दिखा रही हूँ। ज़्यादा टाइम नहीं हुआ है, बस 1/2 ही घंटा हुआ है। तो आप चाहे तो इसको ज़्यादा भी रख सकते हैं, 1 घंटे के लिए या 2 घंटे के लिए। तो मैं इसको इस तरीके से बर्फ़ी के आकार में ही काट रही हूँ, जैसे बर्फ़ी होती है चकोर, इस तरीके से। और ये बहुत ही अच्छे से सेट हो जाती हैं। तो मैं आपको एक पीस निकाल कर दिखा रही हूँ, देखिए। तो आप इस तरीके से झटपट वाली ये नारियल की बर्फ़ी है जो ज़रूर से बनाकर देखिए, बहुत ही ज़्यादा टेस्टी लगती हैं, सभी को बहुत ही पसंद आती हैं। और त्योहारों का सीज़न चल रहा है, आप इसे 10 से 15 मिनट में इस तरीके से बनाकर खा सकते हैं या खिला सकते हैं, या कोई मेहमान आ रहा है, इस तरीके से आप झटपट घर पर ही मिठाई बना सकते हैं। तो आपको देखकर ही अंदाज़ा लग रहा होगा कि ये कितनी ज़्यादा सॉफ्ट हैं और कितनी अच्छे से बनी हैं ये।
अगर आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया है तो नीचे लाइक का बटन है, वीडियो को लाइक करें। जिन्होंने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें, और कमेंट बॉक्स में बताना आपको ये मेरा वीडियो कैसा लगा और कहाँ से देख रहे हैं मेरा वीडियो, और आप कब बनाने वाले हैं ये झटपट वाली मिठाई। तो यहाँ पर एक कप नारियल का बुरादा और आधे लीटर दूध से हमारी एक किलो बर्फ़ी बनकर तैयार हो गई है। देखिए कितनी ज़्यादा बहुत ही स्वादिष्ट बनी थी, सभी को बहुत ही पसंद आई थी। आज के वीडियो में इतना ही, थैंक यू।